हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ काशिफ एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर आज हम लोग गेट रिवीजन सीरीज़ जिसमें फ़र्स्ट सब्जेक्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू डेट ते इज़ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सेकंड आ, वीडियो देख रहे हैं रिवीजन सीरीज़ का इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेज सिस्टम फ्रेंड्स सॉइल को स्टडी करने के लिए हम लोग uh, दो तरीके के फेज सिस्टम का जनरली स्टडी uh, करते हैं यूज़ करते हैं फर्स्ट है थ्री फेज सिस्टम आइए देखते हैं थ्री फेज सिस्टम में क्या क्या होता है और उसको समझते हैं थ्री फेज सिस्टम का ये डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें सबसे नीचे सॉइल के सॉलिड्स हैं जो ग्रीन कलर से शो किए गए हैं एंड उसके ऊपर फिर वाटर है और वाटर के ऊपर जो रेड से पॉइंट पॉइंट शो किया हुआ है वो आपका एयर हो गया ये तीन फेज़ हो गया सोइल के अंदर अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जो वी एस है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है उसी तरीके से वी डब्ल्यू ऑफ वाटर है और वी ए वॉल्यूम ऑफ एयर है वॉल्यूम ऑफ़ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलके वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हो जाते हैं चूँकि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अगर हम निकालेंगे तो उसमें वॉल्यूम ऑफ़ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा क्योंकि वाइट्स के अंदर ही एयर या फिर वाटर पॉसिबल हो सकता है मौजूद हो सकता है वी हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया आइए वेट के टर्म्स में देखते हैं सबसे पहले डब्ल्यू एस कर रहा है वेट ऑफ सॉलिड्स को उसी तरीके से डब्लू डब्ल्यू रिप्रजेंट कर रहा है वेट ऑफ़ वाटर को और डब्लू ए रिप्रजेंट कर रहा है वेट ऑफ़ एयर को दोस्तों वेट ऑफ एयर हम लोग ज़ीरो कंसिडर करते हैं और टोटल डब्लू कैपिटल डब्लू ये टोटल वेट शो कर रहा है आई होप आपको फेस डायग्राम समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा आइए यहाँ समझ लेते हैं टोटल वॉल्यूम V इज़ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वॉल्यूम ऑफ वाइट्स को हम कैसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ़ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा तो हमें टोटल वॉल्यूम अगर निकालना है तो हमें वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इस तरीके से ऐड करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा नेक्स्ट है हमारा वेट के टर्म्स में टोटल वेट इक्वल्स टू सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने वॉल्यूम के लिए लिखा था उसी तरीके से हम लोग वेट के टर्म्स में लिखेंगे वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स वेट ऑफ एयर ज़ीरो कंसिडर करते हैं इसलिए टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स आई होप आपको ये पॉइंट दोनों पॉइंट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम और टोटल वेट क्लियर हो गया होगा ये तो हुई एक बात जो कि थ्री फेज सिस्टम के लिए हम लोगों ने देखी इसी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग टू फेज़ सिस्टम में भी देख लेते हैं कि स्वाइल अगर टू फेज़ में होगी तो फिर क्या होगा आइए टू फेज सिस्टम देखते हैं टू फेज सिस्टम का डायग्राम ये रहा आपका अच्छा टू फेज़ सिस्टम में स्वाइल हो सकती है क्या पॉसिबल है क्या हाँ बिल्कुल पॉसिबल है जब भी ड्राई सोइल होगी तो स्वाइल टू फेस सिस्टम में होगी या फिर फुल्ली सैचुरेटेड सोइल होगी तो भी स्वाइल टू फेस सिस्टम में होगी इन द केस ऑफ ड्राई सोइल वाटर विल नॉट बी प्रेजेंट, ओनली एयर वॉइड्स एंड सोइल सॉलिड्स आर प्रेजेंट। डेट्स वाई ड्राई सोइल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टू फेस सिस्टम आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू लाइकवाइज हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में भी देखेंगे तो ये भी टू फेज को डिनोट करती है फुल्ली सैचूरेटेड सॉइल इसमें सॉलिड्स प्रेजेंट रहेंगे सॉइल के और वाटर प्रेजेंट रहेगा चूंकि ये फुल्ली सैचूरेटेड है इसलिए इसमें एयर नहीं प्रेजेंट होगा चूँकि सारे वॉइड्स uh, को वाटर ने ही फुल कर लिया है यहाँ पे फिल कर दिया है डैट्स वाई सोइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज़ इन टू फेज सिस्टम आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइए फर्स्ट वन ड्राई सॉइल के केस में हम लोग देखते हैं सॉइल के सॉलिड्स ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किए गए हैं और एयर रेड कलर से सेम वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया आपका और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया वी एस से डिनोट करेंगे वॉल्यूम ऑफ़ एयर यहाँ पे टू फेस सिस्टम में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो गया जिसको हम लोग वी वी से डिनोट करेंगे और कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हो गया इसी तरीके से वेट के टर्म्स में भी हम लोग देख सकते हैं वेट ऑफ एयर जो कि ज़ीरो कंसिडर करते हैं हम लोग फिर वेट ऑफ सॉलिड्स हैं जिसको हम लोग डब्ल्यू एस से डिनोट करेंगे और टोटल वेट यहाँ पे निकल के आ गया वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ़ सॉलिड्स आइए वॉल्यूम के टर्म्स में देखते हैं टू फेज सिस्टम में जो हम लोग फर्स्ट केस ड्राई सॉयल का ले रहे हैं टोटल वॉल्यूम वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टोटल वॉल्यूम वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम लोग क्या लिखेंगे फिगर से वॉल्यूम ऑफ़ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स उसी तरीके से वेट के टर्म्स में वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स बट यहाँ पे टू फेस सिस्टम की बात हो रही है और ड्राई सॉयल की बात हो रही है तो वेट ऑफ एयर तो ज़ीरो होता ही है लेकिन यहाँ पे वेट ऑफ वाटर भी ज़ीरो हो जाएगा आप देख सकते हैं चूँकि सारे वॉइड्स को एयर नहीं फिल किया हुआ है ड्राई सॉइल के केस में इसीलिए टोटल वेट यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर निकल के आएगा आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू आइए सेकंड केस देखते हैं टू फेस सॉइल सिस्टम में ही हम लोग सेकंड केस देखते हैं फुल्ली सैचूरेटेड सॉयल फुल्ली सैचूरेटेड सॉइल के केस में क्या होगा सॉइल के सॉलिड्स प्रेजेंट रहेंगे जो यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया गया है और ऊपर में ये वाटर है पूरा जिसको रेड कलर से शो किया गया है यहाँ पे एयर एबसेंट है प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये फुल्ली सैचुरेटेड सोइल है यहाँ पे वाटर ने पूरे वॉइड्स को कम्प्लीटली फिल कर दिया है एंड सोइल बिकम्स फुल्ली सैचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को वी से डिनोट करेंगे ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के कैपिटल वी टोटल वॉल्यूम को शो कर रहा है वेट के टर्म्स में देख लेते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर है और डब्लू एस वेट ऑफ सॉलिड्स है और कैपिटल डब्ल्यू आपका टोटल वेट हो गया फुल्ली सैचूरेटेड सॉइल के केस में आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा आइए देखते हैं टोटल वॉल्यूम वी इक्वल्स टू सेम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम फुल्ली सैचरेटेड सॉइल के केस में टू फेस सिस्टम में क्या देखने को मिल रहा है हमें टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आइए वेट के केस में सेम टू सेम उसी तरीके से देख लेते हैं टोटल वेट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स आई होप आपको फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का टू फेस सिस्टम डायग्राम और उसका टोटल वॉल्यूम और टोटल वेट कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया होगा यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज soil इज़ नॉट पॉसिबल इन वन और सिंगल फेज़ That इज़ soil डज़ नॉट exist इन सिंगल फेज़ अभी आप लोगों ने थ्री फेज सिस्टम देखा सबसे पहले उसके बाद टू फेज सिस्टम में ड्राई सॉयल के लिए देखा फिर फुल्ली सैचूरेटेड सॉइल के लिए देखा लेकिन हम लोगों ने वन फेज सिस्टम की कहीं पर भी बात नहीं की क्योंकि सोइल पॉसिबल ही नहीं है सिंगल फ़ेज़ में या फिर वन फ़ेज़ में दैट इज स्वाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल फेज एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है हम लोगों को कि विदाउट वाइड्स स्वाइल डज नॉट एग्जिस्ट मतलब बिना वाइड्स के स्वाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोपर्टीज ऑफ स्वाइल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्वाइल डिस्कस करेंगे उसका रिवाइज करेंगे रिविज़न करेंगे इसी तरीके से हम लोग आ, डेली रिविज़न करते जाएंगे जो कि कम्प्लीट रिविज़न होगा अगर आप आ, चैनल पे नए हैं फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा Next सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को यहाँ पे इसी तरीके से गेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी और भी बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल वीडियोस यहाँ पे पहले से अपलोडेड हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं सो आई होप आपको आज की ये वीडियो सेशन पसंद आएगा अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए काइंडली सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर एज़ मच एज़ पॉसिबल थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद